नमस्कार, मैं हूं मोक्ष हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल बनाम सलमान खुर्शीद की। जी हां, क्या ये लड़ाई अब अरविंद केजरीवाल और सलमान खुर्शीद की हो गई है या फिर ये लड़ाई सलमान खुर्शीद बनाम मीडिया की हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर हम बात करेंगे विपक्ष की भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर लेफ्ट हो या फिर बसपा हो या फिर वो भाजपा हो, अब खुल के सामने क्यों नहीं आ रही, विपक्ष आखिर इतना पीछे बैकफुट पर क्यों चला गया। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे आज के इस खास प्राइम टाइम में। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में राजेंद्र अवाना जी कांग्रेस की ओर से। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण लाल मौजूद है हमारे साथ बीजेपी की ओर से, भाजपा की ओर से नेता हैं। गोपाल मोहन हमारे साथ मौजूद हैं, केजरीवाल के सहयोगी हैं। गोपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मुरारी शरण शुक्ला स्वतंत्र पत्रकार आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। इस डिबेट की शुरुआत मैं सबसे पहले राजेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा। आप मुझे दो टूक बताएं, क्या कुछ आप मानते हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये पोल खोली है सलमान खुर्शीद की, उसके बाद आप क्या कुछ मानते हैं, क्या ये लड़ाई सलमान खुर्शीद और अरविंद केजरीवाल के बीच की हो गई है? नहीं नहीं, सलमान खुर्शीद हमारे देश के लॉ मिनिस्टर हैं जी, हमारे देश के कानून मंत्री हैं। जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, वो सिर्फ 71 लाख रुपए का उन्होंने एलिगेशन लगाया है जी। जो आरोप लगाया वो 71 लाख रुपए का जी। मैं इस बात को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सलमान खुर्शीद अगर अपनी प्रैक्टिस करते सुप्रीम कोर्ट के एज ए जज, अपने वकालत के हिसाब से जो वो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, अपने किसी भी क्लाइंट के लिए वो जाएंगे, तो कम से कम मैं कहता हूँ 10 से 15 लाख रुपए उनको अपनी कोर्ट फीस मिल सकती है। अच्छा चलिए, इस डिबेट की शुरुआत मामूली सी चीज है उनके लिए। राजेंद्र जी, इस डिबेट की शुरुआत जैसे मैंने की तो आपसे मैंने ये चीज पूछी और आपने जो मुझे जवाब में मुझे जो आपकी उससे जवाब मिला वो ये मिला कि वो देश के कानून मंत्री हैं। इसी बात से जुड़ा मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप मानते हो देश के कानून मंत्री? कानून मंत्री ऐसा होता है मीडिया को बुरी तरह से अपशब्द कहने वाला कानून मंत्री, अभी बैठ जाओ यार ये बात कहने वाला कानून मंत्री नहीं है, जो सलमान खुर्शीद क्या देने वाला कानून मंत्री? सलमान खुर्शीद साहब का मीडिया के लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब का यहाँ पहले मैं आपको गुस्सा दिखाता हूँ। सलमान खुर्शीद साहब का गुस्सा देखिए, जो कि हमारे देश के कानून मंत्री हैं, मीडिया पर किस तरह से भड़के, पहले ये देखिए फिर आगे बढ़ाएंगे इस डिबेट को। I'm seeing you are repeating, you are repeating, you are repeating what I am saying. Please listen. Humne bheja. Why are you not listening? Why are you not listening? See, I want to tell all of you why I didn't want India today to come here. Marta kya nahi karta? This is their problem. Arey jao yaar. Jab main bol raha hu. Ground rules. राजेंद्र जी सुना आपने आपके कानून मंत्री को? कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगा। मरता क्या ना करता, अबे जाओ यार, क्या ये एक कानून मंत्री के मुंह से निकले हुए इस तरह की वाणी उन्हें शोभा देती है इस पद पे बैठ करके? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का जो है कानून मंत्री सलमान खुर्शीद है जी। इससे अधिक विडंबना नहीं हो सकती कि मेरे मित्र जो है अभी बता रहे थे कि 71 लाख रुपए की राशि है केवल जी। एक गरीब व्यक्ति देश के जो है योजनाकार कहते हैं कि 28 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होता, और देश का कानून मंत्री जिसकी की एनजीओ जो है सामाजिक संस्था जो है 71 लाख रुपए केंद्रीय फंड से लेकर जो है गड़बड़ कर जाती है, घोटाला कर जाती है, और मेरे मित्र कहते हैं कि महज 71 लाख रुपए हैं, क्या 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला भूल गए? क्या 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला भूल गए? क्या 1,86,000 करोड़ रुपए का कोल घोटाला भूल गए? पत्रकार बंधुओं को इस प्रकार से अपमानजनक तरीके से बोल रहे हैं। पत्रकारिता मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ये मीडिया ही ने जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को कहां से कहां पहुंचा दिया था। आपकी तरफ से मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा जी। बोलो जी, कहें राजेंद्र जी, आपकी ओर से प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं मैं। जो आरोप अरविंद केजरीवाल जी रोज नए नए आरोप लगाते हैं लोगों के ऊपर, में अरविंद केजरीवाल खुद क्या है? नहीं, अरविंद केजरीवाल की बात पे हम बाद में आएंगे, अरविंद केजरीवाल की बात पे हम बाद में आएंगे, पहले जो किशन जी ने बात कही उसकी ओर से प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आपकी। कौन सा घोटाला, कौन सा सबूत उनके पास में? क्या भूल गए? आरोप लगाए जा रहे 71 लाख रुपए का जो आरोप उन्होंने लगाया है अरविंद केजरीवाल ने, कोई जांच हुई है उसकी?
जांच तो आप करवाएंगे सर। चलिए उसके बारे में गोपाल जी कुछ डिटेल में गए क्या अभी तक? मैं कहना चाह रहा हूं कि सलमान खुर्शीद जी अगर खुद ही जज बन के किसी भी उसका डिसीजन सुना देंगे कि कोई जांच नहीं होगी, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो ऐसे तो देश चलेगा नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल जी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी जांच एजेंसी के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी होम मिनिस्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी प्रधानमंत्री के विश्वास नहीं है, किसी मुख्यमंत्री के, माफ करूंगा राजेंद्र जी, किसी को विश्वास नहीं है तो फैसला कैसे होगा? आप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठा दीजिए, आपको अगर लगता है, आप सीबीआई से क्यों जांच कराना चाहते हैं? सीबीआई किसके अंडर आती है? सीबीआई आपकी सरकार के अंडर आती है, सीबीआई क्या जांच करेगी उनकी? राजेंद्र जी, उत्तर प्रदेश का मैटर है और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश का मैटर है, सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी ने उन आरोपों को ले जांच चेक कीजिए, जांच के लिए उन्होंने मांग की, जांच करा रहे हैं, जांच हो गई है, सीएजी रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है और सब जांच हो चुका है। सलमान खुर्शीद के ऊपर जो नए आरोप लगाए हैं आप चेक कर लीजिए, उन्होंने जो प्रूफ भी दिए सफाई के उसमें भी उन्होंने घोटाला किया, ये भी आज पकड़ा जा चुका है, उन्होंने जो फोटोज दिखाई कि ये जो और आपकी सरकार को सलमान खुर्शीद के ऊपर आपकी पार्टी का आरोप लगा रहे हो, इकहत्तर लाख सबूत है, कहीं कुछ है क्या उसमें? घोटाला एक लाख घोटाला नहीं, नहीं बढ़ा है जितना एक लाख करोड़ का है। अच्छा राजेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की सरकार इसके ऊपर जांच कर रही है, किसी भी देश का अगर कानून मंत्री घोटाला करता है क्या झूठ है क्या सच है? राजेंद्र जी, आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार पाक साफ है, दूध की धुली है, आप क्या ऐसा मानते हैं? आप देखो, मैं मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, तो आप मानते हैं ना घोटाले हैं, घोटाले हुए हैं, आप मानते हैं ना ये बात? देखो आम आदमी का मैं कहता हूं अधिकार है। अच्छा आपको एक बयान मैं यहाँ पे याद दिलाऊं, आज इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का आपको बयान याद होगा, वो कहते हैं कि 71 लाख का घोटाला तो हुई, वो 71 लाख का घोटाला तो ही हुआ है, अगर 71 करोड़ का होता तब तो हम सोचते भी सही, तब तो जांच करवाते, तब तो कोई बात भी थी। नहीं नहीं, फिर भी उसकी जांच हो रही है। चलिए सुनिए, बताइए बयान यहाँ पे सर बेनी प्रसाद का बयान एक बार आप सुनिए, उनके निजी विचार हो सकते हैं। नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, हमारी कुछ शुभकामना, लेकिन नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, हाँ जब भी बना रहे हैं हमारी कुछ शुभकामना, मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी और बढ़ गई इंडिया में, अच्छी बात है, लेकिन उनको हमारी राय है कि वे अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, रात दिन नब हो गए भोंकें, कभी कभी शेर की तरह दहाड़े, रात दिन भोंकने वालों की गिनती बहुत छोटे लोगों में होती है और कभी कभी दहाड़ने वाले की गिनती जो है शेर में होती है। गलत इस चीज को ले लिया गया कि आपने कहा 70 लाख बहुत ज्यादा रकम नहीं होती जिस पे कोई घोटाला किया जाए। हाँ ये हमने कहा, आप ये अच्छा मोड़ के ले आए, उसका मतलब यही निकाला गया? नहीं मतलब निकाले तो आप लोग पता नहीं कैसे मतलब निकाल रहे हो, तो आपने क्या कहा था? चलिए आप, हमने ये कहा था 71 लाख रुपया सलमान खुर्शीद के लिए, हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, गड़बड़ी किए होते तो खुद जांच की डिमांड करती। ये बयान आपने सुने, बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरकार कांग्रेस के नेता ही ये क्यों कहते हैं कि हमारे बयान को गलत निकाला गया? प्रकाश जायसवाल को ले लो, रेणुका चौधरी को ले लो, मनीष तिवारी को ले लो, जगदम्बिका पाल को ले लो, प्रकाश जायसवाल को ले लो, आप बेनी साहब को ले लीजिए, सलमान खुर्शीद को ले लीजिए, हरीश रावत को ले लीजिए, न जाने कितने नेताओं की लिस्ट पूरी तैयार पड़ी है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनको ही ये बात क्यों हर बार इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है नेताओं के साथ कि ये मीडिया को उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि मीडिया ने हमारी बात का गलत मतलब निकाला। आपके पास मैं आना चाहूंगा, मैं आऊंगा राजेंद्र जी आपके पास, मुरारी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ मानते हैं अगर 71 लाख का घोटाला होगा तो क्या उसकी जांच नहीं बनती? 71 करोड़ का होना है जरूरी है, करोड़ों में हो, लाख के होंगे तो जांच नहीं बनती है, ये मतलब हुआ इसका? चोरी चाहे हीरे की हो या खीरे की हो, 2 रुपए की चोरी हो या अभी 1340 बिलियन अरब रुपए का थोरियम घोटाला हुआ, जांच सबकी होनी चाहिए, दोनों चोरी है कानून की नजर में, और यह बात भारत के कानून मंत्री को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। भारत का कानून मंत्री सलमान खुर्शीद रोज प्रतिदिन कानून की धज्जियां उड़ाता रहता है, ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री के पद पर रहने का और एक ऐसा कानून मंत्री जो किस तरह से मैं कहता हूं पत्रकारों से बात करता है, हाँ मैं उस पर आता हूं, ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, और यदि यह बात उसको समझ में नहीं आती कानून मंत्री की गरिमा का, तो मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिम्मेवारी मानता हूं कि उनको ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कारण आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में इनके द्वारा की गई हरकत देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 2 दिन पहले कांग्रेस के कैबिनेट ने डिसाइड किया
4.5% आरक्षण ओबीसी कोटे से काटकर मुसलमानों को देने का गेम खेला मुलायम सिंह ने। 9% आरक्षण का ऑफर दिया अपने चुनाव मैनिफेस्टो में, तो वहां देश का कानून मंत्री जाता है और फरुखाबाद में अपनी पत्नी के हार सुनिश्चित हो जाने की जब उसको समझ आ जाती है तो पत्नी को जिताने के लिए एक कितनी छोटी संकुचित हरकत करता है और 18% आरक्षण की बात करता है। चलिए तो प्रेमबल में मैं एक बात कंप्लीट कर देना चाहता हूं। भारत के प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड का मेंशन है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली वाले देश में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह बात कानून मंत्री को पहले से पता होना चाहिए था, फिर भी कितनी गिरी हुई खेल खेली। तो आप क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मुद्दे पे पढ़ना चाहिए? बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहिए। पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को। चलिए बहुत अच्छी बात है किशन जी, आपके पास